मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क एवं भारी हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोस संरचनाओं के लोकार्पण के अवसर पर गुरुवार को पहुंचे। प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक 167 MOU किए हैं। इनके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित भी है। इनमें 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले जब औद्योगिक क्षेत्र बना करते थे तब मौलिक सुविधाओं का अभाव हुआ करता था और इसके लिए काफ़ी कोशिशें भी करनी होती थी, लेकिन आज रेल पार्क की अधोसंरचना देखी, सारी सुविधा यहाँ मौजूद है, यहाँ जल्द ही यूनिट्स लग जाएंगे। विभिन्न उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में 19,550 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके माध्यम से 33,000 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर विशेष जोर दिया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में 478 इकाइयों के माध्यम से 1,167 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है, जिससे 6,000 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि रेल इंडस्ट्रियल पार्क लगने के पश्चात यहां पर औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होगा। प्रदेश में उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए अधोसंरचना के क्षेत्र में और नीतियों के क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इस पर लगातार यह कार्य किए जाने की बातें भी उन्होंने कही। भिलाई में अभी हथखोज हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है और इसे हथखोज में एक नई उपलब्धि के रेलवे पार्क के रूप में इसे डेवलप किया गया है। 8,40,00,000 रुपए की राशि से इसमें सीसी रोड भी है, नाली भी है, स्ट्रीट लाइट भी है, पानी की पाइपलाइन है, ये सारी जो बेसिक आवश्यकता है उसके यहाँ डेवलप कर दिया गया है। 22 भूखंड है और रेलवे पार्क के रूप में जो रेलवे में जो एसी सीरीज लगते हैं, जो सामान लगते हैं, मशीन लगेंगे, उसके निर्माण यहाँ होगा। रेलवे को भी सुविधा होगी सामान में और यहाँ के उद्योग जब लगेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सीएम साहब, आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासनकाल में सिर्फ पेमेंट होते थे, इसका आंकड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आज उनके कितने रमन सिंह जी कभी न्यूयॉर्क जाते थे, कभी चीन जाते थे, कभी और कहीं जाते थे, कौन सा उद्योग आया? और आज हम लोगों जो उद्योग नीति 2019-24 जो बनाया उसके कारण से 167 MU हो गया है और प्रभावकारी कदम 90 उद्योग ने लगा लिया है। ये बड़ी उपलब्धि है, हमने स्थानीय लोगों पर विश्वास किया, नए लोगों को रोजगार देने के लिए सरलीकरण काम किया जा रहा है, आसानी से नए। देखिए, जो उद्योगपतियों के सहायता के लिए हमने जो लीज में जो जमीन मिली थी फ्री होल्ड करने का फैसला किया, उसके कारण से जो 2 साल कोरोना में जो अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है उसे उद्योगपतियों को सहायता मिले, बैंक से वो लोन भी ले सके। जब तक फ्री होल्ड नहीं होगा लोन भी नहीं ले सकते, आगे एक्सपांशन भी करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए ये हमने फ्री होल्ड का फैसला किया ताकि उद्योगपतियों को भी सहायता जब तक नहीं देंगे तब तक के औद्योगिक इकाइयाँ नहीं लगी, लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। जी, इतना सहयोग नहीं कर रहा है केंद्र का उपक्रम है, ये लगातार वो शिकायतें आ रही है और ये उचित बात नहीं है। ये भिलाई हम सबका है और उद्योगपति यहाँ जो जितने भी उद्योग लगे हैं, भिलाई से जुड़े हुए जो उद्योग लगे हैं, तो उसको सहयोग तो करना चाहिए। रेल पार्क में 8,40,00,000 रुपए की लागत से सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड ट्रैक, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने का लाभ रेलवे के लिए उपकरण तैयार करने वाले यूनिटों पर होगा। एक ही जगह पर अधोसंरचना उपलब्ध होने का लाभ उद्यमियों को होगा तथा रेलवे के लिए रेल मार्ग बन जाने से आसानी भी होगी। इसके साथ ही हल्के एवं भारी औद्योगिक क्षेत्र में 4.25 किलोमीटर सीसी रोड का लोकार्पण भी किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।